आप महाराष्ट्र में आए हैं, नांदेड़ भूमि में आए हैं, इसलिए नांदेड़ के पत्रकारों को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए सवाल करने का। आप जो है, आपके करीबी है शायद वो लोग, इसलिए आप उधर देख रहे हैं। नहीं 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 है ना सर। हाँ तो सर आप मेरा एक सवाल सुनिए। अभी आप मेरे ज्यादा करीबी आप ही हैं। सर 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 मेरा सवाल सर, अभी आपने जो भी बात रखी उसमें आपने मोदी की पॉलिसीज पर तीखी टिप्पणियां की, तनकीद डिसाइड किया, मगर सर एक हकीकत ये भी है कि आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपकी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से मोदी की द्वारा जो बिल लाए गए उन्हें सपोर्ट कर रही है सर। तो आप फ्यूचर में आपका स्टैंड जो है बिल सर कई सारे बिल है, मैं बोलता हूँ ना सर, इवन जो है आपने कौन सा बिल सपोर्ट किया बताओ। राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है वोट के ताल्लुक से किसान का बिल, किसान का सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड था, कभी समर्थन नहीं किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। सारी सारी आपने नहीं देखा होगा, ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया, ट्रिपल तलाक के वो लेके विरोध किया, स्टैंड क्लियर नहीं था, बिल्कुल विरोध किया हमने। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल एनआरसी का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है सर। आप विचारधारा की बात करते हैं, तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के बारे में आपका क्या बता दिया ना भाई, उसके बाद मुसलमानों के लिए नहीं हुआ सवाल। मेरा सवाल शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई, ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में MIM पार्टी MBT उतरी मैदान में, उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो भी हमने वादा नहीं और किया, और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं हुई। नहीं किया हमने, कहाँ किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे में? हमने वादा कहाँ किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका क्या? नहीं किया था ना सर, ना हमको कोई पूछा है, ना हमने वादा किया है। आप ये गलत बोल रहे हैं सर। सर आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे अधिकारियों पर? देखिए ऐसा, एक मिनट सर, जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर ना वायदा किया, ना टीका किया, ना टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया, हमारे उसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था, आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है, आप जैसे लोग आके बोलते हैं। सुनिए ना, आपने सवाल पूछे तो सुने ना भाई, आप यूं इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं, सुनिए, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई, कि हम आप कहे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है सवाल, बिल्कुल बात सीधी है, हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए, हर किसी का सेम तरीके से मिलना चाहिए, पार्टी का तरीका है। अभी भी आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं? बड़ा अजीब आदमी है आप। सर आप है ना भाई मेरे साथ में बात बहुत हो गया। सर